सो हाय गाइस, आदर्श है। तो यार कल आप लोगों की जेईई मेंस की डेट्स आ चुकी है और एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल होना स्टार्ट हो चुका है, और शॉकिंगली जो डेट्स है वो बहुत ज्यादा नजदीक है। और मेरे हिसाब से डिसीजन जो भी लिया इन लोगों ने, चलो ठीक ही ले देते, अगस्त फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से कर देते तो और थोड़ा ज्यादा बेटर होता। आप लोगों की एग्जामिनेशन अच्छी गई है, खराब गई है, थोड़ा सा एनालाइज करने का मौका मिल जाता कि मेरी पहली एग्जामिनेशन कैसी गई। छोड़ो, वो सब बातों को हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग आज के इस वीडियो में ये बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म की भी डेट्स जो वो स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही कम वक्त दिया गया है, और इन वक्त में अगर आपने फॉर्म फिल को अगर मिस कर दिया तो इसका मतलब आप गए। दूसरी बात यह है कि अभी अगर आप इसमें गलती करते हो तो इसको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म की करेक्शन विंडो अब ओपन नहीं होने वाली। तो अगर अभी तक आपने अगर कुछ गलतियां की है, उसको करेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बता दूंगा आगे चलते हुए। और कुछ डाउट्स जो है, उस डाउट्स को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग जाके आगे में ये बताएंगे आप लोगों को कि फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले नंबर डाउट ये कि भैया अभी तक मैंने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनाया। यार मुझे ये चीज सुन के बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है कि आप सपोज अगर आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी हो, एसटी हो, ये चीज अभी तक आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। जब आपको ये चीज कब पता चली? जनवरी और फरवरी में पता चल चुकी है। अगर अभी तक अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया किसी भी वजह से, तो आप यार बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो, बहुत ही ज्यादा लापरवाह। लेकिन खैर, अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है तो आप लोगों को अंडरटेकिंग डालनी पड़ेगी। अब इन्होंने ये बोला नहीं है कि कब आप लोगों को फिर ये डॉक्यूमेंट वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह जो वो सबमिट करना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इन दैट केस आप लोग अंडरटेकिंग डालेंगे। कैसे डालना है वो आगे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अंडरटेकिंग, सपोज आपने लिख दिया कि मैं ओबीसी हूं, अंडरटेकिंग में आपने ये डाल दिया कि मैं ओबीसी हूं, आप ये प्रूफ नहीं कर पाते हो कि मैं ओबीसी हूं, इन दैट केस ऐसा नहीं होगा कि आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। इन दैट केस ये होगा कि आपकी ओबीसी हूं, आपको ओबीसी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, आपको जनरल का दर्जा दे दिया जाएगा, और आपकी जो सीट होगी, आपकी जो एडमिशन होगी, वो जनरल रैंक के हिसाब से एडमिशन होगी। दूसरी बात भैया, दोनों एग्जामिनेशन बड़े ही सटसट के हो रहे हैं। एक एग्जामिनेशन शायद 20 जुलाई से हो रहा है, दूसरा एग्जामिनेशन शायद 27 या 28 जुलाई से मेरी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब मैं पहला सेशन को छोड़ के दूसरा सेशन ही देना चाहता हूं, तो क्या मैं अभी चेंज कर सकता हूं? डेफिनेटली चेंज कर सकता हूं। जैसे अभी आप लोगों का दो सेशन बाकी है, 20 जुलाई से आपका है और दूसरा शायद 27 जुलाई से है ना, तो इन दोनों में से अगर आप सपोज नहीं चाहते हो कि मैं 20 जुलाई की एग्जामिनेशन दूं, तो फिर आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो मैं अभी आगे वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। दूसरी बात यह कि भैया मेरे लोगों को रिफंड कब मिलेगी? मैंने पहले का एग्जामिनेशन नहीं दिया था, मेरे पैसे पड़े हुए हैं, तो क्या मुझे रिफंड मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपको रिफंड मिलेगी। कब मिलेगी? चारों राउंड की एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगी, उसके बाद अगर आपको कोई रिफंड मिलना होगा तब जाके आपको रिफंड मिलेगा। एक चीज जो मुझे पर्सनली लगता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, इसे न्यूज मत बना देना, मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोगों की दो परीक्षा हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एक परीक्षा 20 से 25 के बीच में हो रही है और दूसरी परीक्षा आपकी 27 से लेके जो भी 2-3 तारीख तक आपकी परीक्षा हो रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे विल सेट एन एल्गोरिदम, ऐसा कुछ एल्गोरिदम वो सेट करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई बच्चा 20 तारीख को परीक्षा दे रहा है तो उसको उसकी जो एग्जामिनेशन है वो 27 से 28 तारीख को पढ़े। ऐसा नहीं कि 20 तारीख को एग्जामिनेशन दिए, उसके 2 तारीख को पेपर आ गई, फिर दूसरी पेपर, तो उसे 10-12 दिन का गैप मिल गया, और दूसरा बच्चा जिसने 25 तारीख को एग्जामिनेशन दिया उसका फिर 28 तारीख को डेट आ गया, तो उसे 3 दिन का डेट मिला। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, दे विल सेट एन एल्गोरिदम जिसके वजह से हर एक बच्चे को इक्विवेलेंट टाइम मिलेगा। ये मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, बाकी अब जो होगा वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन है, वो जो कंडक्टिंग बॉडी है उनके ऊपर डिसीजन है, उसके ऊपर हम और आपका कोई भी बस नहीं चल सकता। अगर ऐसा होता है तो सारे बच्चे के लिए बराबर की चीज होगी, किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी बच्चे को ज्यादा समय और कम समय नहीं मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा, इसकी जो अवार्ड्स अगर आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे, इतने सारे अवार्ड्स आप लोगों को मिलने वाले। पहली बात तो ये कि आप अगर 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, कुछ भी हो, आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन घर बैठ के आपको देनी है। कब से? 24 से लेकर 25 जुलाई के बीच में एग्जामिनेशन होगी। अब मैं आप लोगों को शेड्यूल दिखा देता हूं, एक बार आप लोग जल्दी से शेड्यूल देख लें कि कब कब आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। शेड्यूल आपने देख लिया, अच्छा अब मैं आप लोगों को ये दिखाता हूं कि स्कॉलरशिप क्या मिलने वाली है। यार स्कॉलरशिप आप लोगों को मैकबुक है 1 से लेकर 10 रैंक होल्डरों के लिए, उसके बाद 11 से लेकर 15 के लिए आईफोन है, फिर आईपैड है, फिर अमेजॉन इको डॉट है, उसके बाद अमेजॉन वाउचर्स है, इतने सारे प्राइजेस हैं। तो मैं चाहता हूं यार कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी को देना चाहिए, और आप लोगों को सबको कोड यूज करना है मेरा, आदर्श बर्णवाल, वहां कोड पूछा जाएगा, यू शुड यूज द कोड आदर्श बर्णवाल टू अनलॉक दिस टेस्ट। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दूंगा, लिंक पे जाएं
और फॉर्म फिल करें, मतलब जो भी आप लोगों को फिल करना है वो फिल करें, और जब आप लोगों से कोड मांगा जाए तो कोड यूज करें आदर्श वर्णमाला। तुम्हारी जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट, तो जो भी बच्चे चाह रहे हैं कि मेरे को फॉर्म फिल करना है तो डेफिनेटली अब तुम्हें इस वाले वेबसाइट पे आके विजिट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे दो न्यू नोटिफिकेशन आई है जो कि कल रिलीज हुई थी। एक में ये बताया गया है कि क्या क्या प्रिकॉशन मेजर लिए जा रहे हैं आपकी एग्जामिनेशन में, जहां पे आप लोगों को ये बताया गया है कि नंबर ऑफ सेंटर्स वगैरह जो वो इंक्रीज कर दिए गए। सिटीज जो थी वो 232 थी, 232 से अब इंक्रीज होकर 334 सिटीज में आपकी एग्जामिनेशन हो रही है, और जितने आपके सेंटर्स थे जहां पे एग्जामिनेशन होने वाले थे वो पहले 660 थे, उसको बढ़ा के अब 828 कर दिया गया है, ठीक है। दूसरी बात ये कि एग्जामिनेशन डेट कब है ये आप लोग देख लो, और आपकी जो फॉर्म फिल सब जो आप लोग की सेशन थर्ड होगी उसके लिए जो सबमिशन है वो 6 से लेके 8 जुलाई के बीच में है, मतलब कल आप लोगों का लास्ट डेट है, ध्यान रहे 9 बजे, इस डेट को ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज ये है कि सेशन 4 जो आपकी एग्जामिनेशन है वो 12 जुलाई तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोगों को फॉर्म फिल करना है अगर आपने पहले रजिस्टर करके रखा है, या फिर अगर आप लोगों को न्यू फॉर्म फिल करना है, कुछ भी कारण हो सकता है, यहां पे फिल न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आप लोगों को यहां पे जाना है। अच्छा, अब आप लोगों के पास यहां पे दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक जेईई मेंस का फॉर्म फिल किया ही नहीं है, वैसे बच्चे यहां न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, और जिन्होंने भी पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, पहले से फॉर्म फिल कर रखा है, उन बच्चों को यहां पे अपनी एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये वाली सिक्योरिटी पिन डाल के साइन इन के ऊपर आप लोगों को जाना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले वो करके दिखाता हूं कि जिन बच्चों ने पहले रजिस्टर कर लिया है उनको क्या करना है। तो हम लोग यहां पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म और पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पास ये पूरी की पूरी फॉर्म जो है वो ओपन हो चुकी है। अब आपके पास यहां पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला ऑप्शन ये डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, और दूसरा ऑप्शन ये कि करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा इन दैट केस आपको यहां पे डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का ऑप्शन आ रहा होगा, और अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है इन दैट केस फिर यहां पे आप लोगों को फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को यहां पे करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का यहां पे दो चीज का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग यहां पे करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, और यहां पे अगर आप लोगों को कुछ भी करेक्शन वगैरह करनी है तो उन सारी चीजों को आप कर सकते हैं, इसके अंदर जाके आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। जब अंदर बढ़ेंगे तो यार आप लोगों को जैसे कि कुछ बच्चों ने अपने कैंडिडेट नेम, अपना जो नाम है उसी को गलती कर दिया है, अपने फादर्स नेम को गलत कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ को गलत कर दिया है, तो भाई साहब वो सारी चीजें आप लोगों को चेंज करने का मौका अब नहीं मिलेगा। अच्छा क्या भैया इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है क्या? मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये जब आप लोग जब काउंसलिंग करोगे ना तो आपको राइट अपना करेक्ट नेम डालना पड़ेगा, जो अपने आधार कार्ड वगैरह में यूज किया है, जो आपकी क्लास 12th सर्टिफिकेट में है उस नेम को वहां पे डाल दो, या फादर्स नेम को या मदर्स नेम, जिसमें भी आपकी गलती हुई है उन सारे नेम को आप तभी करेक्शन कर पाओगे। जितना मुझे पिछले साल के हिसाब से अनुभव है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, अभी आप लोगों को चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो देखो यार, तो आप लोगों के पास ना यहाँ पे ऑप्शंस एकदम साफ साफ दिखेंगे कि आप किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ और सिर्फ बीटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बी प्लानिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप बीटेक प्लस बीआर का अप्लाई करना चाहते हैं, या बीटेक प्लस बी प्लानिंग अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर बीआर और बी प्लानिंग अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर तीनों ही करना चाहते हैं। मेरे केस में मैं सिर्फ और सिर्फ बीटेक देना चाहता हूं, तो मैं बीटेक को यहां पे सेलेक्ट करूंगा। अब आपके पास यहां पे दो ऑप्शंस नजर आते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप एग्जामिनेशन अप्रैल का देना चाहते हैं, या फिर एग्जामिनेशन आप मई का देना चाहते हैं, या फिर आप दोनों का देना चाहते हैं। तो मेरे केस में मैं तो दोनों का ही देना चाहता हूं, तो मैं दोनों की ही फॉर्म को फिल कर सकता हूं, ठीक है। आपके केस में ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल कि आपने पहले अप्रैल का फॉर्म फिल करके रखा हो और मई का फॉर्म जो है वो आप अभी फिल करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि यार नहीं मैं ना अप्रैल का फॉर्म नहीं भरूंगा, तो पहले से आपका यहाँ पे अप्रैल का फॉर्म जो है वो क्लिक किया हुआ होगा, इसको आप लोग क्या करें कि अप्रैल वाले फॉर्म को यहाँ पे अनक्लिक कर लें और मई के फॉर्म में क्लिक कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को प्रोसीड करके आगे जाके सबमिट कर दीजिए, ठीक है, नहीं सकते ना। तीसरी बात ये कि कुछ सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या भैया इसमें मैं अपना सेंटर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, तो जब मैंने चेंज करने की कोशिश की तो मुझे तो वहाँ पे वो चेंज करने का सेंटर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एनटीए ने ये पहले भी बताया था यार कि अगर कोई बच्चा शिफ्ट 1 में जहाँ पे सेंटर पढ़ा है शिफ्ट 2 में अगर चाहे तो वो अपना सेंटर चेंज कर सकता है। तीसरी बात ये यार कि आज विकेट्स वगैरह का, तो कई सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या भैया ये सर्टिफिकेट वगैरह हमने जब अपलोड किया था दिसंबर में, अभी तो 3-4 महीने हो गए और वो भी पुरानी थी, तो 6 महीने के बाद तो भैया सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो क्या मुझे सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे? अरे बेवकूफ़, किसने तुम्हें बोला कि सर्टिफिकेट्स अभी तुम्हें बदलने पड़ेंगे? किसने बोला, कौन ये अफवाह फैला रहा है कि तुम्हें बदलना पड़ेगा अभी सर्टिफिकेट? अगर तुम चाहो तो यू कैन चेंज, अगर तुम नहीं चाहो तो ठीक है, जो तुमने अपलोड किया वो अपलोड किया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुमने पहले सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था और अगर अभी तुम चाहते हो कि मैं सर्टिफिकेट अपलोड करूं, वेल एंड गुड, सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। अगर तुमने पहले सर्टिफिकेट अपलोड किया था उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, तुम अगर चेंज करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो तो कब चेंज करोगे? जब तुम्हारी काउंसलिंग होगी तब तुम चेंज करोगे। ऐसा कुछ फोर्स्ड नहीं बोला जा रहा है कि आपको अभी ही चेंज, फोटोग्राफ या सिग्नेचर बदल लूँ, तो वो दोनों चीज़ों को चेंज करने का अलाउंस नहीं दिया गया है। मतलब ये कि तुम अपना नेम, तो अपने फादर्स का नेम, तो अपने मदर का नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, किसी भी चीज़ों को चेंज। इन बच्चों के लिए बात कर लेते हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है और वो नई तरीके से अपनी फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ज्ञान दी गई है, जैसे कि आप लोगों को कितने पैसे लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके की आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को अगर
अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो किस तरीके का पासवर्ड रखना है, ये भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे पासवर्ड को आप लोग पढ़ सकते हो। इसके ऊपर हम लोग जाने के बाद आई एग्री करेंगे और प्रोसीड के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, अपनी एड्रेस डालनी है, परमानेंट एड्रेस डालनी है, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे पासवर्ड चूज करना है और सिक्योरिटी पिन डालना है। अब इनमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट नेम में आप गलती नहीं कर सकते हो, जो भी आपकी क्लास टेंथ या क्लास ट्वेल्थ में आप लोगों की जो नेम थी वही नेम आप लोगों को यहाँ पे डालना है। फादर्स नेम जो आपकी क्लास टेंथ या क्लास ट्वेल्थ में आपने जो भी फादर्स आपका जो फादर नेम है उस पर कोई चेंजेस आप मत कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो क्लास टेंथ में आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा था वो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को भरना है। जेंडर चूज करें, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी टाइप में आपके बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिलते हैं, जैसे कि पैन कार्ड है, स्कूल आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, उसके बाद वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, ड्राइवरी लाइसेंस है, और अगर आप आधार कार्ड को चूज करना चाहते हैं तो एनी अदर वैलिड आईडी प्रूफ के ऊपर आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ों के भरने के बाद अगर आपकी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना पड़ेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड किस तरीके से चूज करना है पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। यार आप लोगों को एक कैपिटल लेटर चूज करना है, उसके बाद स्मॉल लेटर्स भी आप चूज कर सकते हो। सपोज अगर किसी का नाम अमन है तो आप ए एम ए एन इस तरीके से लिख सकते हैं। एक स्पेशल केस कैरेक्टर को चूज कर ले, जैसे कि आप स्टार सॉरी एट द रेट आप चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हैच भी यूज कर सकते हैं। मैं अपने केस में एट द रेट चूज कर लेता हूं और उसके बाद कुछ भी आप डाल सकते हैं। सपोज अगर आपका फेवरेट नंबर है 1234 तो इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं, या फिर इसी तरीके से आप चाहें तो पासवर्ड बना सकते हैं। लेकिन जो भी पासवर्ड बनाए आप लोग ध्यान रहे उस पासवर्ड को आप लोगों को अच्छे तरीके से सेव करके रखना है। जेंडर, आइडेंटिफिकेशन टाइप आप लोगों को अगर आधार कार्ड देना है तो एनी अदर वैलिड आईडी प्रूफ के ऊपर क्लिक करके आधार नंबर डालेंगे। मैंने यहाँ पे कोई भी एक रैंडम आधार नंबर आप लोगों को लिख के दिखा है, ये मेरा आधार कार्ड का नंबर नहीं है, कोई भी रैंडम नंबर मैं लिख के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एड्रेस लिखना था, मैंने कुछ भी एक एड्रेस यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे ये मोबाइल नंबर पे ट्राई मत करना, ये मोबाइल नंबर मेरा नहीं है, मैंने कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे लिख दिया है, जो मन में आया वो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है। लेकिन आपको अपने केस में उसी मोबाइल नंबर को चूज करना है जिस मोबाइल नंबर को कम से कम आप एक साल तक यूज करने वाले हो, और उसी ईमेल आईडी को आप लोगों को यहाँ पे डालना है जिस ईमेल आईडी को आप लोग कम से कम एक साल तक यूज करने वाले हो, क्योंकि अभी से लेकर काउंसलिंग तक आपकी जो भी ईमेल आईडी है और जो भी फोन नंबर है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पासवर्ड किस तरीके से चूज करना है, आप उसी तरीके से पासवर्ड चूज कर लें। सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लें और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के आप लोगों को सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। इससे यहाँ सारी डेटा को देख लेनी है कि मैंने जो डेटा भरी है वो सारी डेटा सही भरी है, तो आप लोग देख सकते हो कि मैं एक बस टेस्ट केस आप लोगों को देकर दिखा रहा हूँ। कैंडिडेट नेम मैंने ए ले लिया है, फादर्स नेम मैंने बी ले लिया है, लेकिन आप लोगों को जो भी चीज़ आप भरोगे वो चीज़ें बहुत सही ढंग से भरनी है, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं करना है। और खास करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लोग 10 बारी चेक करके भरे। मैंने यहाँ पे कोई रैंडम ले लिया है, इस नंबर पर कॉल करके कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को, है ना। और उसके बाद परमानेंट एड्रेस भरें और सारी चीज़ों को फिर आप लोग चेक कर लें जाएंगे, ठीक है। फाइनल सबमिट के लिए यस करेंगे। अब हम लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुकी है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोगों को यहाँ पे जाना है, ठीक है। चलो, उससे पहले हम लोग यार ये जो एप्लीकेशन नंबर है इस एप्लीकेशन नंबर को हम लोग कॉपी कर लेंगे, ये हम लोगों ने कर लिया कॉपी, ठीक है। और आपकी जो ईमेल आईडी होगी और आपकी फ़ोन नंबर होगी उन दोनों ही जगह पे आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है वो सारी चीज़ें भेज दी गई होगी कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है। फिलहाल हम लोग जाते हैं और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पे सारी डिटेल्स हमारी जो है एक लाइन से आ रही है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने भरा है, ठीक है। जैसे नेशनलिटी पूछ रहे हैं, आपके केस में अगर इंडियन है तो इंडियन भर दें, मेरे केस में इंडियन है मैं इंडियन भर देता हूँ, ठीक है। सॉरी ये गलती हो गया, इंडियन तो इंडियन में भर देता हूँ। उसके बाद पूछ रहे हैं कि किस स्टेट से आप ट्वेल्थ पास किए हैं या फिर अपीयर कर रहे हैं, तो मैं अपने केस में सपोज लिख देता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ झारखंड मैंने यहाँ पे झारखंड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद वो कैटेगरी पूछे आपसे कि क्या कैटेगरी है, आप जनरल है, एससी है, एसटी है, क्या है, मैं जनरल लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आपके एससी एसटी जो भी है वो आप लिख सकते हैं। क्या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, नो। आप क्या डायबिटीज पेशेंट हैं, यस या नो। उसके बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप अर्बन में रहते हैं या रूरल, मतलब शहर में या गांव में, शहर पे रहते हैं तो शहर, अर्बन। मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे आपने प्रिपरेशन की, मैंने सेल्फ स्टडी की तो मैं सेल्फ स्टडी लिख देता हूँ। मीडियम ऑफ स्कूल, इंग्लिश किस में थी, इंग्लिश या हिंदी, तो सपोज अगर आपके केस में इंग्लिश थी तो आप इंग्लिश लिखते, ठीक है। अब अगर आपके केस में हिंदी है तो आप हिंदी लिख सकते हैं। देखो यार, तो आप लोगों के पास ना यहाँ पे ऑप्शंस एकदम साफ साफ दिखेंगे कि आप किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कि आप सिर्फ और सिर्फ बीटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बी प्लानिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप बीटेक प्लस बीआर का अप्लाई करना चाहते हैं, या बीटेक प्लस बी प्लानिंग अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर बीआर और बी प्लानिंग अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर तीनों ही करना चाहते हैं। मेरे केस में मैं सिर्फ और सिर्फ बीटेक देना चाहता हूं, तो मैं बीटेक को यहां पे सेलेक्ट करूंगा। अब आपके पास यहां पे दो ऑप्शंस नजर आते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप एग्जामिनेशन अप्रैल का देना चाहते हैं, या फिर एग्जामिनेशन आप मई का देना चाहते हैं, या फिर आप दोनों का देना चाहते हैं। तो मेरे केस में मैं तो दोनों का ही देना चाहता हूं, तो मैं दोनों की फॉर्म को फिल कर सकता हूं, ठीक है। आपके केस में ऐसा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आपने पहले अप्रैल का फॉर्म फिल करके रखा हो और मई का फॉर्म जो है वो आप अभी फिल करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि यार नहीं, मैं ना अप्रैल का फॉर्म नहीं भरूंगा, तो पहले से आपका यहाँ पे अप्रैल का फॉर्म जो है वो क्लिक किया हुआ होगा। इसको आप लोग क्या करें कि अप्रैल वाले फॉर्म को यहाँ पे अनक्लिक कर लें और मई के फॉर्म में क्लिक कर लें, ठीक है। पूछ रहे हैं कि किस मीडियम में आपको पेपर चाहिए, तो मुझे तो भाई इंग्लिश में पेपर चाहिए, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद पूछ रहे हैं कि एग्जामिनेशन सिटी आपकी क्या क्या होनी चाहिए, तो एग्जामिनेशन सिटी भाई मैं चाहता हूं कि मुझे बिहार में मिले, मैं बिहार को सेलेक्ट कर लेता हूं। मैं चाहता हूं कि भाई मुझे कहां मिले, मैं चाहता हूं कि मुझे पूर्णिया में मिल जाए।
आपके केस में आपको जिस जगह भी चाहिए होगा वो उस जगह आप भर सकते हैं, ठीक है, कर लिया है। उसके बाद आप लोगों से टेंथ की डिटेल्स ये पूछ रहे हैं, उसके बाद ये ट्वेल्थ की इक्विवेलेंट मार्क्स और डिटेल्स पूछ रहे हैं आप लोगों से। इस जगह पे यार जैसे कि ट्वेल्थ की जो डिटेल्स आती है इस जगह पे, जैसे कई सारे बच्चे यहाँ पे पासिंग स्टेटस पूछते हैं, तो पास या अपियरिंग लिखना है, ठीक है। अब जो भी बच्चे देखो, जो भी बच्चे अगर आप सपोज इंप्रूवमेंट दे रहे हो, अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो, ध्यान रहे, इफ यू आर गिविंग इंप्रूवमेंट, आप लोगों को लिखना है कि आप अब मतलब पास आउट हो चुके हो, तो पास आप लोगों को चूज करना है। अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो या फिर अगर आप पास कर चुके हो तो आप लोगों को पास लिखना है और सारी डिटेल्स उसके अकॉर्डिंग भर देना है, आपकी ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो सारी चीजों को भर दे, ठीक है। एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन किस जगह से है, क्योंकि अगर आप ट्वेल्थ पास हो चुके हैं तो पास लिखें, अगर आप अपियरिंग कर रहे हैं तो अपियरिंग लिखें, अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं इन दैट केस आपको पास्ट लिखना है। उसके बाद बाकी सारी डिटेल्स को हम लोग को भर के फिर आगे की प्रोसेस के ऊपर हम लोग को क्लिक करते हैं। आप अगर पास हुए हो तो पास लिख दो, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन क्या है, उसके बाद किस जगह स्कूल है, उसके बाद आप लोगों को तो यहाँ पे कोई भी ऐसी डेटा है ही नहीं यार कि जिसमें आप लोगों को समझाने की जरूरत है। मैं बस आप लोगों को एक बार दिखा दे रहा हूँ, आप लोग एक बार इसको पॉज करके अगर देखना चाहो तो पॉज करके आप लोग देख सकते हो। उसके बाद पूछा गया कि आप ट्वेल्थ कहाँ से दिए हो, तो ट्वेल्थ में से कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ठीक है भाई, मैंने टेंथ और टेन प्लस टू मैंने पास किया है सीबीएसई एग्जामिनेशन से। अगर आपका कोई और ऑप्शन होगा तो आप यहाँ पे इसको नीचे करो, कोई और ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहो तो उसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सारी चीजों को करने के बाद अगर आपके भाई बहन है तो आप लोग यस करें, कितने भाई बहन है वो बताएं, रोल नंबर लिखें। उसके बाद तो यार जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर चुके होंगे तो आप लोग यहाँ पे एक अटेंशन पेज आएगा जिसमें बोला होगा कि क्या आप सही में फाइनल सबमिट करना चाहते हो, तो आप लोग इसे क्रॉस करें। देखो यार आप लोगों को यहाँ पे जब ट्वेल्थ की मार्क्स भरोगे तो कुछ बच्चों का सीजीपीए वाला सिस्टम होता है, तो सीजीपीए में आप लोगों से पूछा जाएगा कि मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट क्या है, तो 10 हो गई मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, और आपको कितनी आई है। अगर आपको 9.6 आई है तो आप लोगों को 9.6 लिख देना है, 8.6 आई है तो आपको 8.6 लिख देना है, ठीक है। और अगर आपको परसेंटेज में आई होगी तो फुल मार्क्स बाय ऑब्टेंड मार्क्स आप लोगों को लिख देना है। सेम गोज टू आपकी ट्वेल्थ वाली में ही, ट्वेल्थ वाली जो आपकी एग्जामिनेशन है, अगर आप अपियर हो रहे हो, आपको शायद रोल नंबर नहीं पता होगा, तो आप यहाँ पे अपियरिंग के ऊपर क्लिक कर देना, पास यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपियरिंग के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देना। तो अब इसके बाद आप लोगों को सारी जो बॉक्सेज हैं इन सारी बॉक्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक करें, फाइनल सबमिट के ऊपर यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और यार फाइनल सबमिशन हो चुकी है, अब हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों की दो स्टेप पूरी हो चुकी है, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, हम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, अब हम लोगों की बारी है डॉक्यूमेंट्स अपलोड की, उसके बाद हम लोगों को करना पड़ेगा फी पेमेंट, ठीक है, अपलोड इमेजेस के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने दो स्टेप पूरा कर लिया है। अपलोड इमेजेस के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को कुछ दो तीन चीजों के ऊपर हम लोगों को क्लिक करना है। अब देखो यार यहाँ पे जो बच्चे ओबीसी वगैरह भरेंगे तो शायद उनको यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट जमा करने आ सकता है, अगर आप पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हो तो आपको पीडब्ल्यूडी का मतलब सर्टिफिकेट जो वो जमा करने का ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपनी अपलोड करनी है, तो मैं फोटोग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फोटोग्राफ आपके 10 KB से लेके 200 KB तक होना चाहिए। अच्छा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया अगर मेरी 10 KB से लेके 200 KB तक नहीं हुई तो मैं कहाँ पे रिसाइज करूंगा, तो आप लोग यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सिंपल लिखो रिसाइज इमेज, रिसाइज इमेज के ऊपर जाओगे और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं, जिससे भी आप चाहो वहां से ऑनलाइन रिसाइज ऑनलाइन यहाँ पे अगर लिख देते हो ऑनलाइन फ्री, तो बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे ही मिल जाते हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर को भी अपलोड यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो फोटोग्राफ जो आपकी होगी यार उसमें 80% जो है वो आपकी फेस होनी चाहिए और बाकी की 20% जो है वो बाकी सारी चीजें हो सकती है। कोशिश करना कि आपका जो बैकग्राउंड होगा वो ज्यादा मेसी ना हो, है ना, और बहुत ज्यादा गंदा बैकग्राउंड आपका ना हो। अगर व्हाइट बैकग्राउंड रहता है तो वो बहुत ही बेहतरीन चीज है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेल्फ वेरीफाई कर लिया है, इन दोनों चीजों को कर दे सेल्फ वेरीफाई। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे डालना है पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड को डाल देता हूँ। उसके बाद सेल्फ वेरीफाइड आपने कर दिया है, अपलोड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आपके सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड जब हो चुकी है तो यहाँ पे मुझे आ रहा है कि यू हैव टू पे ₹2600। क्यों भाई? क्योंकि मैंने यार चार बार जेईई मेंस के बारे में सोचा था, अगर आप एक बार दोगे तो आपको 650 लगेंगे। उसके बाद पे एग्जामिनेशन फीस के ऊपर जाएं और ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करना चाहते हो तो प्रोसीड पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करें। आर यू श्योर? यस यार आई एम श्योर कि मुझे पेमेंट करना है, और यहाँ पे जाऊंगा जिधर से भी आप लोगों को पेमेंट करना है वहां से जाके आप लोग अपनी पेमेंट करें और आप लोगों को फिर एक एक्नॉलेजमेंट पेज वो मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद